महोदय, योजना पर बहस होना सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय विचार विमर्श का अवसर है और मुझे खुशी है कि सदस्यों ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। ऐसी आलोचना सुनने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। पहले इसका लक्ष्य योजना का विचार ही हुआ करता था। सौभाग्य से वह बात अब नहीं रह गई है और हम विकास की ऐसी मंजिल पर पहुंच चुके हैं जब मुझे आशा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोदन करते हैं। कुछ ने योजना के कुछ अंशों का अनुमोदन किया है और अपनी आलोचना अनेक कार्यक्रमों को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है। कई सदस्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को कतई पसंद नहीं करते। अब यह जाहिर है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि दल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ विचारों के पक्ष में हैं और कार्य संचालन के किन्हीं खास तरीकों को पसंद करता है। हमने काफ़ी विचार विमर्श और सोचने समझने के बाद यह निश्चय किया कि हम किस प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए। योजना आयोग में निर्दलीय स्वतंत्र विचारों वाले और गैर राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। योजना का निर्माण प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ अनेक विचार विनिमयों के आधार पर होता है और अंततः उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें अनेक अन्य दलों के होते हैं। वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है। जो सामान्य योजना के तरीकों को लेकर नहीं बल्कि अधिकांशतः इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हमारी पूरी आबादी की जरूरत के बीच सामंजस्य के लिए प्रयास करना होता है। यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक दूसरे क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह योजना अगले 4 वर्षों के लिए प्रगति का घोषणा पत्र है, हमें अनुमान है।